नेक्स्ट हम लोग कहां पर आए, स्पैनिंग ट्री पर। अब स्पैनिंग ट्री के बारे में देखते हैं, इसका डिफिनेशन को जानते हैं कि स्पैनिंग ट्री कहते किसको है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे स्पैनिंग ट्री का डिफिनेशन क्या है। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है, स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है, कंटेन्स कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ। मतलब क्या होगा, स्पैनिंग ट्री में जितना भी वर्टिसेज ग्राफ में है वो सारा वर्टिसेज होगा, कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंटेन्स वी माइनस वन एजेज, वी माइनस वन एजेज। मतलब क्या है, स्पैनिंग ट्री में क्या है, कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ। इसको वर्टिसेज को यहां ए भी लिख सकते हैं, ऑल वर्टिसेज है ना, इसको यहां पर वी लिखते हैं, ऑल वर्टिसेज मान लो वी दिया हुआ है। ठीक, कंटेन्स ऑल वी वर्टिसेज ऑफ ग्राफ, जितना भी वर्टिसेज है सारे वर्टिसेज को कंटेन करेगा कौन, स्पैनिंग ट्री। वर्टिसेज को मिस नहीं करना है, जितना भी ग्राफ में गिवन है वर्टिसेज सारा वर्टिसेज मेरा स्पैनिंग ट्री में भी होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, कंटेन्स v माइनस वन एजेज। ग्राफ में हो सकता है बहुत सारा एज हो, कितना भी एज हो ग्राफ में, लेकिन स्पैनिंग ट्री में श्योर शॉट है कि v माइनस वन एजेज ही रहेगा, पक्का है, ना एक ज्यादा ना एक कम। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, कनेक्टेड ग्राफ या फिर कनेक्टेड ऑल वर्टिसेज लिख सकते हैं, कनेक्टेड ऑल वर्टिसेज। मतलब कि जितना भी वर्टिसेज होगा ऑल वर्टिसेज कनेक्टेड, इसको ये भी लिख लेंगे ऐसे सही लैंग्वेज में, ज्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं क्या, ऑल वर्टिसेज क्या होगा, कनेक्टेड होगा, डिसकनेक्टेड नहीं होगा यहां पर। मतलब क्या, जितना भी वर्टिसेज है, पहली बात तो स्पैनिंग ट्री में जितना भी वर्टिसेज ग्राफ में गिवन है वो सबके सब वर्टिसेज होगा। सेकंड क्या है, v माइनस वन एजेज होगा स्पैनिंग ट्री में, ग्राफ में हो सकता है v माइनस वन से बहुत ज्यादा हो, लेकिन स्पैनिंग ट्री जो बनेगा उसमें v माइनस वन एजेज ही होगा। उसके बाद क्या है, ऑल वर्टिसेज कनेक्टेड, कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि कोई भी वर्टेक्स है अनरीचेबल नहीं होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए जितना भी वर्टिसेज है। एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट क्या है, जब कंटेन्स, जब ये लिख देंगे हम लोग कि कंटेन्स v माइनस वन एजेज और वर्टिसेज कनेक्टेड, इसका सिंपल मीनिंग जानते हो क्या होगा, इसका अगर v माइनस वन एजेज है और सभी वर्टिसेज कनेक्टेड है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा क्या, नो साइकिल, साइकिल नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। अगर v वर्टिसेज लेते हैं, सारे वर्टेक्स को कनेक्ट भी अगर करते हैं v माइनस वन एज से, तो साइकिल अपने आप ही नहीं रहेगा। और अगर v माइनस वन एज है और साइकिल नहीं है, मतलब कि इसको भी डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन सही है, v माइनस वन एज ही है और साइकिल नहीं है, सब वर्टिसेज कनेक्टेड भी होगा, या फिर सब वर्टिसेज कनेक्टेड है और साइकिल नहीं है, कनेक्टेड है और साइकिल नहीं है, तो ये भी बोल सकते हैं कंटेन्स v माइनस वन एजेज। समझ रहे हो, ये तीनों पॉइंट को अच्छे से देख लो, ये तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट में अगर कोई दो पॉइंट दिया रहे, थर्ड अपने आप उससे रिड्यूज हो सकता है। ठीक, अगर v माइनस वन एज है, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, v माइनस वन एज है, मतलब कि कनेक्टेड होगा, अगर कनेक्टेड है और साइकिल नहीं है तो v माइनस वन एज होगा, या फिर ये दोनों है वर्टिसेज कनेक्टेड है, v माइनस वन एज है तो साइकिल नहीं है, मतलब ये रोटेट कर जाएगा तीनों। ठीक, अगर
इसको नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री, ऐसा अगर है वन और टू है तो थ्री होना ही होना है, वन और थ्री है तो टू भी होना ही होना है, और वन टू वन थ्री होगा, अगर टू और थ्री है, टू और थ्री है तो वन भी पक्का होगा, ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक, पक्का होना ही होना। कैसे होगा देखो बता रहे हैं, स्पैनिंग ट्री कहते किसको है, स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे, तो एक ग्राफ को पहले हम लोग बनाते हैं, एक ग्राफ को पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक, एक ग्राफ को बना लिए, ये क्या है, यहां पर वर्टेक्स कितना है, एक मान लो ए लिखते हैं, यहां बी लिखते हैं, यहां पर सी लिखते हैं, यहां पर डी लिखते हैं, अगर ठीक, ए बी सी डी चार वर्टिसेज है, ठीक, इसमें एज है, सब एज का भी नेम अगर दे लेते हैं, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, इसके लिए ई फाइव, इसके लिए ई सिक्स, अगर एज बना लेते हैं, सब वर्टिसेस को लेबल कर लिए हैं, ए बी सी डी और ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स, सारे एज को भी हम अगर लेबल कर लिए हैं, सब एज को भी लेबल अगर हम लोग कर लिए हैं, तब क्या इसके बाद है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोई और एक्स्ट्रा एज पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, मतलब क्या है, ए एक तरह का हम लोग का, ए एक तरह का क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, इसको बोल सकते हैं क्या, कंप्लीट कंप्लीट ग्राफ है हम लोग का एक, ठीक, तो कंप्लीट ग्राफ में कितना वर्टेक्स है, एक दो तीन चार, चार वर्टिसेज है कंप्लीट ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में कितना वर्टिसेज है, एक दो तीन चार, चार वर्टिसेज है, मतलब कि फोर वर्टिसेज का अगर कंप्लीट ग्राफ है, इसके लिए एक स्पेशल नाम है, क्या है, के फोर, के फोर का मतलब क्या है, फोर वर्टिसेज कंप्लीट ग्राफ, अगर कहीं पर लिखा रहे के फाइव, के फाइव अगर लिखा रहे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो फाइव वर्टिसेज, फाइव वर्टिसेज कंप्लीट ग्राफ, फाइव वर्टिसेज कंप्लीट ग्राफ, के फाइव हो गया, के सेवन है, सेवन वर्टिसेज कंप्लीट ग्राफ, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ एज होगा, टोटल नंबर ऑफ एज कितना होगा, अगर के फाइव है तो कितना होगा, फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू, इतना एज होगा, कैसे हुआ, v इंटू वी माइनस वन बाई टू, ये भी पता है हम लोग को, इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंपल ग्राफ से इसे कितना होगा, टू पावर फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू, ये भी हम लोग को पता है, दोनों चीज पता है, ठीक, कंप्लीट ग्राफ के बारे में ही है केवल, ठीक, अब जानो इसके बाद का जानो कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है, सबसे पहला चीज देखो पॉइंट क्या है, कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ, मतलब इसका अगर स्पैनिंग ट्री हम लोग बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज है कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का सारा वर्टिसेज होना चाहिए वहां पर, ठीक, तो पहले हम लोग वर्टिसेज को बना लेते हैं, क्योंकि तो होना चाहिए मतलब कि बनाना भी पड़ेगा, तो बना लिए, क्या क्या है यहां पर, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी है, अब क्या करेंगे यहां पर हम लोग, क्या है, कंटेन्स वी माइनस वन एजेज, वी माइनस वन एजेज, ठीक, अब यहां कितना है, वी कितना है, वी का वैल्यू कितना है यहां पर, एक दो तीन चार, नंबर ऑफ वर्टेक्स चार है, ठीक, एज कितना रहना चाहिए, फोर माइनस वन, थ्री एज रहना चाहिए, अगर वी का वैल्यू यहां पर फोर है तो वी माइनस वन एजेज चाहिए, मतलब कि तीन एज हम लोग को ड्रॉ करना है, तीन एज, तीन लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, कहां से, यहां से ही तीन को सिलेक्ट करना है, तीन अलग से नहीं करना है कहीं, तीन अलग से हम लोग नहीं बना सकते हैं, बात को समझो, और ये भी जान लो कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीट ग्राफ का ही ये रहे, यहां पर मान लो हम कंप्लीट ग्राफ लिए हैं, मान लेते हैं नहीं लेते हैं, इसको ना लेंगे, ये वाले एज को हम मिटा लेते हैं, एज नहीं है मेरा, अब क्या है, कंप्लीट ग्राफ है क्या, नहीं है, अब
कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्यों हटाए? कहीं ऐसा नहीं सोच लो कि अच्छा स्पेनिंग ट्री कंप्लीट ग्राफ, मतलब कंप्लीट ग्राफ का ही स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट ग्राफ का ही स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेनिंग ट्री का सिंपल मीनिंग है, ये चार पॉइंट है बस। क्या? कंटेन्स ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ, जितना भी वर्टिसेज है सब कंटेन होना चाहिए। देखो सब कंटेन हो गया, ए बी सी डी, पहला पॉइंट को हम लोग फुलफिल कर लिए। सेकंड में आते हैं, कंटेन्स वी माइनस वन एजेस, तीन एज बनाना है। ये तीनों एज वी माइनस वन एजेस कहां से आना चाहिए? इसको लिख सकते हैं सिलेक्टेड फ्रॉम गिवेन गिवेन ग्राफ एजेस ओनली। मतलब क्या है? कंटेन्स कंटेन्स वी माइनस वन एजेस, इसका मतलब क्या है? सिलेक्टेड फ्रॉम गिवेन ग्राफ एजेस ओनली। जो गिवेन ग्राफ में एज दिया हुआ है, जो इस ग्राफ में एज दिया हुआ है, इसमें से ही हम लोग को वी माइनस वन एज को सिलेक्ट करना है, जो गिवेन है उसमें से ही, अलग से नहीं, कहीं अलग से नहीं आएगा एज। समझ रहे हो बात को? अलग से कहीं नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि देखो ए से सी तक का एज नहीं है, तो स्पेनिंग ट्री में हम लोग ए से सी का एज नहीं बना सकते हैं, ए से सी का एज यहां भी नहीं बना सकते हैं। यहां पर जो ऑलरेडी एजेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या? सिलेक्टेड फ्रॉम गिवेन ग्राफ एजेज ओनली, इसका मतलब क्या? गिवेन ग्राफ एजेज का मतलब क्या हो गया? एज जो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इन ग्राफ, जो ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, उसमें से ही हम लोग को v माइनस वन एज को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो हम करते हैं सिलेक्ट। a से b है ना, एक एज जो इवन है ना, मान लो a से b हम लोग, a से b हम लोग एक इवन एज को सिलेक्ट कर लिए, a से b हम लोग एक एज को सिलेक्ट कर लिए। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एज को? मैक्सिमम थ्री एज रहेगा हम लोग का, मैक्सिमम थ्री एज रह सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेज फोर है, v माइनस वन एज ही रहना है, 4 माइनस वन थ्री हो गया। मैक्सिमम तीन एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, रेंडमली हम लोग इवन को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक एज मेरा आ गया। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद मान लो हम लोग ई फोर को सेलेक्ट करते हैं। ई फोर कहां से कहां तक है? ए से लेकर डी तक। और ये भी जान लेना, एक और बात याद रखना कि इवन एज यहां पर ए से बी को कनेक्ट कर रहा है, इवन है जो कनेक्ट कर रहा है ए और बी वर्टेक्स को, तो स्पेनिंग ट्री में भी यहां वैसा ही होगा, इवन है जो ए और बी को ही कनेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर इवन है जो ए और बी के बीच में है, तो वहां पर इवन है जो ए से सी में लेकर चले आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, समझ रहे हो बात को? कि जहां पर एज, कोई भी एज जो दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, सेम कनेक्शन स्पेनिंग ट्री में भी होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसके आगे एक और, मान लो E4 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एज कितना लेना है? हम V-1 थ्री एज ले सकते हैं, टोटल एक एज लिए हैं, दो और हम ले सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन है अभी। ठीक, दो और ले सकते हैं, दो और में मान लो E4 को हम लोग लेते हैं। E4 क्या है? A और D के बीच में है, तो A और D के बीच में एक और एज हम लोग बनाते हैं, क्या है? E4। A और D, A और D के बीच में एक और एज बनाते हैं, क्या? E4। E4 यहां भी देखो A और D के बीच में ही था, एक और ले लिए। अब तीन हम लोग को सिलेक्ट करना है, दो हम लोग ले लिए हैं, दो एज ले लिए, अब एक और एज लेना है। ठीक, एक और एज क्या करते हैं? मान लो E6 को हम लोग लेते हैं, मान लो E6 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। E6 कहाँ है भाई? B और D के बीच में है। ठीक, तो B और D के बीच का एज है E6, इसको लेते हैं। यहां भी कहाँ ड्रा करेंगे? B और D के बीच में, B और D के बीच में हम लोग ड्रॉ किए, कौन सा? E6। देखिए जब ड्रॉ किए तब क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक साइकिल बन गया, देखो क्लोज्ड लूप बन गया, क्लोज्ड लूप बन गया।
क्लोज्ड लूप बन गया। यहां क्या लिखा था, स्पेरिंग ट्री में क्या लिखा है, नो साइकिल, साइकिल नहीं होना चाहिए था ना, साइकिल नहीं होना चाहिए था ना। जबकि हम लोग यहां पर E6 को लिए हैं, जब यहां पर देखो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो गया है, साइकिल होना चाहिए था क्या, साइकिल नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर या तो इसको हटा लो साइकिल खत्म करने के लिए, या तो इसको हटा लो या तो इसको हटा लो, साइकिल नहीं होना चाहिए, बात सिंपल है। स्पेरिंग ट्री का मतलब है डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि साइकिल नहीं होना चाहिए, तो साइकिल नहीं होना चाहिए, तो मतलब E6 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। किसी एक को हटाना था यहां से, साइकिल बना है किसी एक को हटाना था तो ले रहे हैं, उसको सिलेक्ट ही नहीं किए हम लोग, कोई और लेते हैं, E6 नहीं पॉसिबल है, E6 को यहां पर नहीं ले सकते हैं, नहीं है पॉसिबल। अब लेते हैं E2 पर आते हैं, E2 क्या है, बी और सी के बीच में है, E2 क्या है, बी और सी के बीच में, देखो बी और सी के बीच में हम लोग करते हैं E2, E2 कहां है, बी और सी के बीच में, समझ रहे हो बात को, बी और सी के बीच में E2 है ना, यहां पर ड्रॉ किए। अब देखेंगे, चेक करेंगे साइकिल है क्या, देखो साइकिल नहीं है कहीं, साइकिल यहां का नहीं है, यहां ज्वाइन नहीं है तो साइकिल नहीं है। देखो यहां से चलेंगे अगर तो फिर से हम सी पर नहीं लौट सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि साइकिल नहीं है, ठीक, साइकिल नहीं है, पहला कंडीशन तो इसको हम लोग सेटिस्फाई कर लिए हैं, साइकिल नहीं है, एक कंडीशन सही हो गया। ऑल वर्टिसेस कनेक्टेड, सब वर्टिसेस जो कनेक्टेड है, कहीं से भी किसी और वर्टिसेस पर जा सकते हैं, मान लो डी से हम लोग को सी जाना है तो ऐसे आए ऐसे चले गए, बी से डी जाना है ऐसे आए ऐसे चले गए, ए से सी जाना है ऐसे आए ऐसे चले गए, मतलब कि सारा कनेक्टेड भी है, मतलब कि एक कंडीशन भी हम लोग फुलफिल कर लिए। इसके बाद क्या है, कंटेंस V-1 एज, सही बात है भाई, V-1 तीन एज था, तीन ही एज हम लोग लिए हैं, मतलब कि एक कंडीशन भी सही हो गया हम लोग का। एक और कंडीशन क्या था, कंटेंस ऑल वी वर्टिसेज ऑफ ग्राफ, जितना भी वर्टिसेज यहां पर था सबको लेना है, क्या क्या था, ए बी सी और डी, चार वर्टिसेज था, देखो चारों को लिए हैं, ए बी सी और डी, समझ रहे हो बात को, चारों को ही यहां पर लिए हैं। इसका मतलब क्या है, ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा एक स्पेनिंग ट्री बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चारों कंडीशन फुलफिल हो गया है ना, यही मेरा स्पेनिंग ट्री है, यही मेरा स्पेनिंग ट्री है, समझ रहे हो बात को, स्पेनिंग ट्री कैसे बनाते हैं, समझ गए क्या होता है। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, जब इस ग्राफ से, इस ग्राफ में देखो, इसी ग्राफ में हम लोग E6 को डिलीट करते हैं और E3 को करते हैं तो वो बनता है। ध्यान दो एक चीज, ये जो गिवन ग्राफ है हम लोग का, इसमें से एक एज अगर E6 को हम लोग हटा देते हैं और E3 को हटा देते हैं अगर, तो क्या बनता है, देखो ऐसे डी से ए गए, ए से बी, बी से सी, डी से ए से बी, बी से सी, बन गया ना, दोनों एज को हटाने पर बन रहा है ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पेनिंग ट्री क्या है। अगर स्पेनिंग ट्री के बारे में एक और चीज हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सबसे टॉप ग्राफ क्या है, सबसे टॉप ग्राफ स्पेनिंग ट्री क्या है, स्पेनिंग ट्री इज सबसेट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का क्या है, ग्राफ का सबसेट है, सबसेट हुआ ना, यहां पर इतना एज था, वर्टेक्स सब ले लिए हैं, सही चीज है, वर्टेक्स सारा लिए हैं, सही चीज है, लेकिन एज दो हटाए हैं तब वो बना है, तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सबसेट बोलते हैं, कुछ हटाने पर कुछ बन रहा है, मतलब कि इसी का एक पार्ट है वो भी, इसी का एक पार्ट है वो भी, वहां पर अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं, समझ रहे हो, मतलब कि स्पेनिंग ट्री ग्राफ का ही एक सबसेट होता है, ठीक। तो बोलो अब कि एक ही पॉसिबल है क्या, यहां से एक ही स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है क्या, नहीं, हो सकता है एक से ज्यादा हो, केवल एक कंडीशन, मेरा चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अब एक में सेटिस्फाई कर जाए, एक से ज्यादा में करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी देखेंगे, मान लो ऐसा हम लोग बनाते हैं इसी ग्राफ के बारे में, ए है, यहां बी था,
यहाँ सी है, यहाँ डी है, ऐसा ही ग्राफ है ना, यहाँ पर चारों वर्टिसेज ऐसे ही है ना। मान लो हम लोग ए से डी ड्रॉ करते हैं, ए से डी ड्रॉ करते हैं, डी से सी जाते हैं, डी से सी जाते हैं, सी से बी जाते हैं, सी से बी जाते हैं। अब देखते हैं कितना हम लोग लिए हैं एज, एक दो तीन एज लिए, वर्टेक्स कितना है चार है, मतलब वी माइनस वन एज ले लिए। पहला कंडीशन हम लोग क्या किए थे, सारा वर्टिसेस चार है, चारों यहाँ ले लिए, एज सेटिस्फाई कर लिए हैं, कंटेंस वी माइनस वन एजेस, ए भी हो गया, थ्री एज लिए हैं, कंटेंस वी माइनस वन एजेस, ए भी हो गया। उसके बाद क्या है, ऑल वर्टिसेस कनेक्टेड, जो भी है कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ए से बी जाना है ऐसे चले जाएंगे, सी से ए जाना है ऐसे चले जाएंगे, कोई भी आइसोलेट नहीं है वर्टेक्स, मतलब क्या एक कंडीशन भी सही हो गया, और साइकिल नहीं, देखो साइकिल नहीं है कहीं भी, ए से चलेंगे फिर लौट कर ए पर नहीं आ सकते हैं कभी भी, हम डी से चलेंगे डी पर ही लौट कर नहीं आ सकते हैं, मतलब कि मेरा एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, एक कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो इस ए भी एक स्पैनिंग ट्री है और ए भी एक स्पैनिंग ट्री है, दोनों ही स्पैनिंग ट्री है, एक से ज्यादा पॉसिबल है। एक और मान लो ऐसे ही बनाते हैं, एक और बनाना चाहते हैं अगर हम लोग, तो क्या करेंगे, यहां पर छोटा जगह में बना लेते हैं। देखो चार था ना, ए बी सी डी यही है ना, इसमें अगर हम लोग बनाते हैं ऐसा करते हैं, ए से बी वाला एक एज लेते हैं, एक ए एज लेते हैं, एक ए एज लेते हैं, तभी देखो चार वर्टिसेज लिए, पहला हो गया सेटिस्फाई। उसके बाद क्या है, वी माइनस वन एज, देखो एक दो तीन, तीन एज लिए, ए भी सेटिस्फाई हो गया, ऑल वर्टिसेज कनेक्टेड, सारा वर्टिसेज जो कनेक्टेड भी है, ए भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद नो साइकिल, साइकिल भी नहीं है, देखो कहीं से भी चलेंगे तो फिर वहां ही नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब कि ए भी सही है, मतलब कि एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है वो हम लोग देखेंगे अच्छे से, कितना पॉसिबल है वो हम लोग देखेंगे, समझ रहे हो बात को। ये हम लोग देखे एक बेसिक चीज देखे, क्या कि स्पैनिंग ट्री किस तरह का होता है, ग्राफ से ही बनता है, ग्राफ का सबसेट होता है स्पैनिंग ट्री, सबसेट ऑफ ग्राफ, जिसमें कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटेंस ऑल वर्टिसेज, कंटेंस वी माइनस वन एजेज, ऑल वर्टिसेज कनेक्टेड, और साइकिल नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीट ग्राफ का ही स्पैनिंग ट्री हम लोग देखें, केवल कंप्लीट ग्राफ नहीं भी है तब भी स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। देखो यहां पॉसिबल है, यहां से ए से डी सी तक का तो कोई एज नहीं है, ए से सी का, ए से सी तक का तो एज नहीं लिए थे हम लोग, तभी स्पैनिंग ट्री देखो एक यहां बना है, दो यहां भी बना है, हो सकता है और भी ज्यादा बने, पॉसिबल हो, एक पॉसिबल ऐसा देखते हैं, ऐसा ऐसा ए, ये भी तो पॉसिबल है। मान लो इसको ए लेते हैं, बी सी डी ऐसे एज है, देखो इस टाइप का भी एक पॉसिबल है, सारे पॉसिबिलिटी को देखेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ अगर स्पैनिंग ट्री का हम लोग बात करते हैं तो काउंट करना होगा, वो ग्राफ के थ्रू ही देखना होगा, समझ रहे हो बात को। मतलब क्या कि अभी हम लोग स्पैनिंग ट्री क्या है इस बात को जान लिए, ठीक। एक और चीज जानो, एक और चीज जान लेते हैं इसके बारे में, एक और चीज क्या है कि अगर कंप्लीट ग्राफ होगा, अगर कंप्लीट ग्राफ होगा, देखो स्पैनिंग ट्री कंप्लीट ग्राफ का भी बनेगा, कंप्लीट ग्राफ नहीं है तब भी बनेगा, लेकिन एक केस हम लोग लेते हैं कि जब ग्राफ कंप्लीट होगा तब टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री का कोई फॉर्मूला है क्या। जब ग्राफ कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट ग्राफ है तो कंप्लीट ग्राफ के लिए केवल, केवल और केवल कंप्लीट ग्राफ के लिए ही, क्या अगर कंप्लीट ग्राफ है, अगर कंप्लीट ग्राफ है उसके लिए नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री का कोई फॉर्मूला है क्या। एक फॉर्मूला है कंप्लीट ग्राफ के लिए, अगर नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री का अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना, क्या फॉर्मूला है, n पावर n माइनस टू, ये क्या फॉर्मूला है किसके लिए,
कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितना होगा, n पावर n माइनस 2। अब देखो कैसे होगा, ये फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में, सच में वो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मान लेते हैं K3 है, K3 क्या है, K3 मतलब क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टिसेस। ठीक, कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसका, इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री कितना पॉसिबल है, एक बार में ए एज ले और ए एज ले, मतलब कि ऐसा कुछ, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, ए दोनों को ले लिए, ए दोनों को ले लिए, फिर एक ऊपर से भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, मतलब कि एक बार हम इसको डिलीट करते हैं, एक बार इसको डिलीट करते हैं, एक बार इसको डिलीट करते हैं, जब इसको डिलीट किए एक बार हम, तब ए वाला मेरा बन गया, जब ए वाले को डिलीट किए हैं तब मेरा ए ग्राफ बन गया है, जब इसको डिलीट किए हैं तब मेरा ए बन गया है, स्पैनिंग ट्री बन गया है। इससे स्पैनिंग ट्री कैसे बना है, जब नीचे वाले एज को जब हम लोग डिलीट किए नीचे वाले एज को, तो क्या बना है, ए बन गया है, साइड वाले को किए हैं डिलीट तो ए बन गया है, इसको भी क्या किए हैं, डिलीट किए हैं, तब ए बन गया है, जब इसको डिलीट किए हैं, इसको जब डिलीट किए हैं तब ए बन गया है। ठीक, मतलब कि जब तीन एज है, K3 है, तीन एज का अगर कंप्लीट ग्राफ लेते हैं तो कितना पॉसिबिलिटी है, टोटल 1 2 3, तीन पॉसिबिलिटी है, टोटल कितना है, टोटल 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, समझ रहे हो बात को। तो देखो यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है, एन पावर एन माइनस 2, एन कितना है 3 है, 3 पावर 3 माइनस 2, ये टोटल का वैल्यू क्या आ गया, 3 पावर 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 पावर 1, मतलब क्या हो गया, 3 बन गया, मतलब कि 3 बन गया, तीन ही आया है मेरा, देखो 1 2 3 3 आया है, मतलब कि फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब हम लोग K4 के लिए भी देख लेते हैं एक बार, एक और भी देखते हैं K4 के लिए देख लेते हैं। मान लो K4 है, K4 क्या होगा, 4 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या होगा, ये 4 वर्टिसेस का है। ठीक, इसके बारे में ग्राफ कैसा बनेगा, ए बी सी डी। ठीक, अब कैसे ग्राफ बनाएंगे, कितना ग्राफ पॉसिबल होगा, सिंपल जानो, पहले मान लो बीच वाले एज को हम भूल जाते हैं, बीच वाले एज को हम भूल गए, दोनों एज को, ए और सी और बी डी, ए सी और बी डी दोनों को भूल जाते हैं। उसके बाद एक बार देखो, सबसे पहला केस क्या करेंगे, काउंटिंग देखो आसान होगा, इससे आसान होगा काउंटिंग। देखो कैसे बनाएंगे, अंदर के दोनों एज को ए सी और बी डी को, ए सी और बी डी जो है, ए जो एज है और ए जो एज है, दोनों को हम भूल जाते हैं, तो ग्राफ कैसा बचेगा, केवल ए बी सी डी ऐसा स्क्वायर ही बचेगा ना। उसके बाद देखो क्या बनेगा, इसके बाद अगर एक बार में इसको डिलीट करते हैं, टोटल एज कितना लेना है, 3 लेना, क्योंकि 4 वर्टिसेज है। ठीक, अगर एक बार इसको डिलीट करते हैं तो बचेगा क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या बनेगा फिगर, ऐसा बन गया फिगर, ऊपर वाले को जब हम डिलीट किए हैं, ऊपर वाले को हटाए तब, ये दोनों हटा चुके हैं पहले ही, बीच का दोनों पहले ही हम हटा चुके हैं, याद रखना। ठीक, अब केवल 4 जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 बाउंड्री में ऊपर वाले को हटाए तो ऐसा कुछ बना है, उसके बाद अगर इसको हटाते हैं तो क्या बनेगा, ऐसा यही बनेगा ना, देखो ए ए ए ऐसा कुछ बन गया। उसके बाद नीचे वाले को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, क्या बनेगा, ए ए ए, मतलब क्या, ऐसा कुछ बन गया। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा, मान लो इसको हटाते हैं तो क्या बनेगा, ऐसा, मतलब कि ऐसा कुछ बन गया, समझ रहे हो, एक बार में 1 2 3 4, इसे हटाए तो फर्स्ट मिला, इसको हटाए सेकंड मिला, इसको हटाए तो थर्ड मिला, इसको हटाए तो फोर मिला, देखो 1 2 3 4, सेम वही केस है। ये कब था, जब हम बीच वाले को पहले ही हटा चुके थे, बीच वाले को हटा चुके थे, अब क्या करेंगे, बीच में एक को हम रखेंगे, एक को रखेंगे, एक को हटाएंगे, बीच में एक को हम रखते हैं, इसको हम रखते हैं केवल, तो इसको रखेंगे तो क्या कुछ बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है।
अब कितना पॉसिबिलिटी है, बीच वाले को हम रख लिए हैं, ठीक, एक केस है दोनों को हटा लिए, बीच में जितना भी एज है, देखो अच्छे से देखो, स्पैनिंग ट्री बनाने का यही तरीका है, रेंडमली काउंट करोगे गलत करो बैठोगे, काउंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा एक, इसलिए इस तरीके से ही करना है। कैसे, सबसे पहले बीच में जो इंटरनल जो एज रहेगा सबको हटा लेना, बाउंड्री पर आ जाना है, बीच में जितना है सबको हटा लिए, ठीक, ये दोनों को बीच वाले को हम हटा लिए थे, उसके बाद काउंटिंग किया बाउंड्री में, एक एक डिलीट करके हम लोग देख लिए कि चार है बाउंड्री में, चार एज से फिगर बना हुआ है, टोटल वेरिएशन क्या होगा, एक बार में एक को डिलीट करेंगे तो चार वेरिएशन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद इंटरनल वाले एज में आएंगे, जब अंदर के एज में आएंगे हम लोग, समझ रहे हो, जब अंदर के एज में आए हैं तो एक एज को लिए हैं, एक को हम छोड़ दिए हैं, अभी भी एक एज कौन है, इस एज को लिए हैं, तो कितना पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा क्या, इसको ही हम ले रहे हैं, एक ऐसा रहे एक ऐसा रहे, पहले वाले में क्या है, इसको लिए है और ए बी को लिए और ए डी को लिए, ए बी को लिए और ए डी को लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा बन गया, ठीक। थर्ड वाले में क्या है, ए एज तो ऐसे ही है ना, एक मान लो इस एज को लिए, एक इस एज को लिए, कैसा बन गया, ए क्या है, बीच वाला तो लिए ही है इसको हम, फिर ए बी को ले रहे हैं एक, और एक सी डी को ले रहे हैं, ए बी को लिए एक सी डी को लिए, ऐसा फिगर बन गया, ठीक। उसके बाद क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और इसको बनाकर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, ए वाले एज को लेते हैं और ए वाले एज को लेते हैं, समझ रहे हो बात को, नीचे वाले को लिए है एक ऊपर वाले को हम लिए हैं, ठीक। मतलब क्या, बीच का तो लिए ही हुए थी पहले से ही, एक ए डी को लिए है और एक और बी सी को लिए है, बीच वाला तो पहले से ही हमारा कंसीडर किया हुआ है, एक ए डी को लिए एक बी सी को लिए, एक ए डी को और एक बी सी को, ऐसा फिगर बनेगा ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कहीं भी कुछ करेंगे तो लूप बनना है, फिर कहीं भी कुछ करके, मान लो इसको लेकर ए दोनों को लेते हैं, लूप बन जाएगा, देखो साइकिल बन जाएगा, इसको लेते हैं ए दोनों लेते हैं, साइकिल बन जाएगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर ऐसा इस तरीके से हो गया, एन लिख दिए, एक और स्ट्रक्चर क्या है ऊपर से इस तरीके से आ गया, एक और क्या है ऐसा ऐसा, इतना ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद इसको हम लोग नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं केवल ए वाले को, बी और डी वाले को लेते हैं, मतलब बी और डी वाले को लेते हैं, तो बी और डी वाले को ले लिए ना, इसके बाद क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको यहां कर ले, इसको यहां कर ले, बी और डी वाले को ले रहे हैं, इसको यहां कर ले, इसको यहां कर ले, ये पॉसिबिलिटी है, फिर बी और डी वाले को ले रहे हैं, ए दोनों एज को ले लेते हैं, फिर बी और डी को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, सेम जैसे इसको लिए थे तब चार पॉसिबिलिटी बना है, इसको भी लेंगे चार ही पॉसिबिलिटी बनेगा, चार बन गया, ठीक। अब उसके बाद देखो, अब अगर इस दोनों को हम ले लेते हैं, इस दोनों को पोर्ट में देखो, इस साइड में लिख रहे हैं, यहां पर लिखते हैं, अगर ये दोनों को कंसीडर करते हैं, देखो तरीका यही है, पहले इंटरनल जितना भी रहे एज सबको हटा लो, फिर एक को लो, दूसरे को नहीं लो, फिर दूसरे को लो, फर्स्ट वाले को नहीं लो, उसके बाद दोनों को ले लो, ठीक, सारा पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगा। इससे क्या करेंगे, दोनों को ही ले लिए, मतलब क्या ऐसा है और ऐसा है, कोई बोलेगा क्या, अच्छा यही ग्राफ तो हो गया, अब ये नहीं हुआ है, अरे बीच में कट मार्क कौन बताया है, बीच में ज्वाइन कर रहा है क्या, देखो ये ऐसे गया मतलब ज्वाइन कर लिया क्या, ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये ज्वाइन नहीं कर रहा, इसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि एक एज ऐसे है, एक ऊपर से गया है, ठीक, ये ज्वाइन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, ये ज्वाइन करने का नहीं है, ये अलग गया है, ये अलग गया है, ये अलग सामने लाइन गया हुआ है, समझ रहे हो, इसलिए अभी डिसकनेक्टेड है, ये दोनों वर्टेक्स के लिए एक एज है, ये दोनों वर्टेक्स के लिए एक एज है, लेकिन यहां से यहां जाने का रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि यहां से यहां जाने के लिए ऐसे गए फिर ऐसे गए, यहां कहां चले गए, बीच में कहां मिल गए, बीच में मिल रहा है क्या, बीच में नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, अगर क्रॉस वाला लेते हैं, बीच का दोनों लेते हैं, अगर बीच का दोनों लेते हैं तो एक और एज लेना होगा जो कि ये दोनों वर्टिसेस को इस दोनों वाले से मिला ले,
ये दोनों से हम लोग को इस दोनों से मिला ले, एक और एज लेना होगा। तो मान लो हम नीचे का एज एक बार में लेते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ए लिए है ना, उसके बाद हम लोग ए वाला एज लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए, क्रॉस तो सेम ही रहेगा, उसके बाद ऊपर वाला एज लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस तो सेम रहेगा, लेफ्ट वाला एज लेते हैं। चार पॉसिबिलिटी है ना, देखो नीचे का लिए, राइट गए, फिर ऊपर गए, फिर लेफ्ट गए, चार पॉसिबिलिटी है। मतलब कि यहां से भी पॉसिबिलिटी कितना है, यहां से भी चार पॉसिबिलिटी है, इसके थ्रू भी हम लोग को चार पॉसिबिलिटी मिल गया, इसके थ्रू भी हम लोग को चार पॉसिबिलिटी मिल गया, इसके थ्रू भी हम लोग को चार पॉसिबिलिटी मल गया। टोटल कितना हो गया, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह। मतलब कि टोटल जो पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल जो है वो कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, टोटल 16 पॉसिबल यहां पर स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है के फोर में। मतलब क्या लिख सकते हैं, के फोर में टोटल स्पेनिंग ट्री कितना पॉसिबल है, टोटल 16 है पॉसिबल। तो फॉर्मूला यही देखे थे ना, नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री फॉर कंप्लीट ग्राफ। के फोर क्या है, चार वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ है। तो देखेंगे फॉर्मूला सही था कि नहीं। यहां क्या है, एन का वैल्यू 4 है ना, यहां लिखते हैं 4 पावर n माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2, ये क्या बन जाएगा, 4 पावर 4 माइनस 2 मतलब 2 हो गया, 4 स्क्वायर बन गया। 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 ही है ना, 16 है ना, समझ रहे हो। मतलब कि ये फॉर्मूला होल्ड करता है, कब करता है ये फॉर्मूला, कब होल्ड करेगा, केवल और केवल कंप्लीट ग्राफ के लिए। अगर कंप्लीट ग्राफ का नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री अगर पूछ ले, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली बता लेना, एन पावर एन माइनस टू। अगर कंप्लीट ग्राफ का नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री पूछ रहा है तब, समझ रहे हो, अगर कंप्लीट ग्राफ नहीं दिया रहे तो ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, और ये करना ही है, कोई तरीका नहीं है। किस तरीके से हम किए हैं यहां पर, अगर नहीं समझे हो एक बार और देख लेना, इसको एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। हर चीज को अच्छे से हम बता दिए हैं, इंटरनल वाले को कैसे, किसको स्किप करना है, किसको कहां लेना है, सब कुछ यहां बताया हुआ है, ठीक। एक और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ये तो कंप्लीट ग्राफ के लिए देख ली है, एक ऐसा देखते हैं जो कंप्लीट ग्राफ नहीं है उसका भी स्पेनिंग ट्री हम लोग फाइंड आउट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक। अभी मिनिमम में नहीं गए हैं, स्पेनिंग ट्री जो था हम लोग को क्या एक्चुअली पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो अभी मिनिमम में नहीं गए हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट कैसे करते हैं, बस इसको देख रहे हैं। स्पेनिंग ट्री किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो देख रहे हैं, नेक्स्ट में जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे जब स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए, तब हम लोग मिनिमम में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, अच्छे से देखते रहो, ये क्वेश्चन स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है, समझ लो, इसलिए इतना बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ मान लो गिवन है, एक इस तरीके से मान लो ग्राफ गिवन है, ठीक, ऐसा ग्राफ गिवन है अगर, तो अब इसका स्पेनिंग ट्री मान लो ये भी गिवन है, चलो एक और एज है, यहां भी है, एक कंप्लीट ग्राफ है क्या, इसमें वर्टेक्स कितना है, देखो ए बी सी डी ई, 5 वर्टिसेज है। K5 लिख सकते हैं क्या, यहां पर K5 लिख सकते हैं क्या, मान लो ये ग्राफ जी है, ग्राफ जी K5 है क्या, K5 का क्या मतलब होता है, K5 मतलब कि कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेज, यहां 5 वर्टिसेज तो है, कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर जहां कहीं भी किसी भी ग्राफ में अगर हम एक्स्ट्रा एज को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद भी वो सिंपल ग्राफ ही रह जाए, तब उसको कंप्लीट ग्राफ बोल सकते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, कि कंप्लीट ग्राफ में एक्स्ट्रा एज को ऐड करने का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, अगर पॉसिबिलिटी है मतलब क्यों कंप्लीट ग्राफ नहीं है, सिंपल मीनिंग है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका स्पेनिंग ट्री हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इसका स्पेनिंग ट्री हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं जो तरीका लास्ट क्वेश्चन में देखे थे वही करेंगे। अच्छे से देखो इसको, ठीक ना, इसको अच्छे से देखो,
पहले क्या करेंगे, मान लो नंबरिंग करते हैं इसको, एज को नंबरिंग कर लेते हैं, क्या 1, 2, 3, 4, 5, इसको 6, इसको 7, सबको नंबरिंग अगर हम कर लेते हैं, नंबरिंग है, नंबर दिया हुआ है, एज के बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल काउंटिंग को बता रहा है, नंबर ऑफ एज को बता रहा है, ठीक। एक और चीज आएगा, एज वेट आएगा, जो ऐसा ही लिखा रहता है, लेकिन हम वो नहीं लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझना है, बस नंबरिंग किए हैं हम लोग एज का नंबरिंग किए हैं, 1, 2, 3, 4, स्पेलिंग ट्री बनाने के लिए हेल्प मिलेगा इसमें हम लोग का, ठीक, यही करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अभी क्या सिखाए थे, अभी हम क्या सिखाया एक बार, कि अगर स्पेलिंग ट्री फाइंड आउट करना रहे कहीं भी तो क्या करना है, अंदर में जितना भी एज है उसको हटा लो पहले, मतलब क्या, 6 और 7 को हटा लिए, ए 6 है एज, ए 7 है, इसको हटा लिए, इसको हटा लिए, देखो क्रॉस किए हैं, मतलब कि इसको हम लोग हटा लिए हैं, क्रॉस कर दिए, इसको भूल गए, 6 वाला नहीं है, 7 नहीं है। अब ग्राफ कैसा बना, एक आउटलाइन ऐसा बचा है, एक आउटलाइन ऐसा बचा है, तब कितना पॉसिबिलिटी होगा, जब इंटरनल हटा लिए तो तब आउटलाइन केवल बचा है, एक बार में एक साइकिल है, ऐसे साइकिल में एक एज को खत्म कर लेंगे, हो जाएगा काम मेरा, एक एज को जैसे ही हटाएंगे साइकिल खत्म हो गया, साइकिल खत्म होगा, बचेगा कितना, अगर साइकिल नहीं है, सारा के सारा वर्टिसेज है जो कनेक्टेड है, मतलब ऑटोमेटिकली वी माइनस वन एज है, वो फुलफिल हो जाएगा, बताया थे ना, दो कंडीशन कोई भी सही रहे, तीसरा उसका इंडक्शन ही एक तरह से बोल सकते हैं, उससे डिड्यूस हम कर सकते हैं थर्ड वाले, वो थर्ड भी सही होगा, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो फोर्थ नंबर है ना, ये फोर्थ है, ठीक। तो यहां पर क्या किए, 6 और 7 को भूल गए, 6 और 7 को भूल गए, मतलब कि डिलीटिंग 6 एंड 7, 6 और 7 वाले एज को, 6 और 7 वाले एज को डिलीट करने के बाद, 6 और 7 वाले एज को डिलीट करने के बाद में हम लोग को ग्राफ कैसा मिला, एक बाहर का आउटलाइन मिला है, ठीक। तो अगर एक एज को हटाते हैं तो मेरा स्पेनिंग ट्री बन जाएगा, एक बार में मान लो इसको हटाए, एक मिल गया स्पेनिंग ट्री, इसको हटाए 2 मिल गया, इसको हटाए 3 मिल गया, इसको हटाए 4 मिल गया, इसको हटाए 5 मिल गया, मतलब कि टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल पॉसिबिलिटी 5 स्पेनिंग ट्री मिल गया हम लोग को, किससे, जब 6 और 7 को हटाते हैं तब, 5 और एस एक ही दिखता है यार, चलो इसको छोटा एस कर लेते हैं जो, ठीक, 5 स्पेनिंग ट्री मिल गया, इसको ध्यान दो जो लिख रहे हैं, ठीक है, 5 स्पेनिंग ट्री क्या मिला है, जब 6 और 7 को हटाए हैं, 6 को और 7 को हटाए हैं तब। अब इसके बाद आते हैं, क्या करते थे हम लोग क्या करते थे, 6 को लेते हैं और 7 को हटाकर, 6 को ड्रॉ करके 7 को हटाकर, 6 क्या है मेरा, 6A है मेरा, 6A ही है ना, 6A ही है ना, और 7 को नहीं लिए, जब 6 को लेंगे 7 को नहीं लेंगे तो कैसा कुछ बनेगा, देखो इस यहां पर कैसा ग्राफ हम लोग का बना था, यहां पर जब 6 और 7 को हटाए थे तब कैसा बना था, देखो काउंटिंग के लिए आसान होगा बता रहे हैं, 6 और 7 को हटाए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया था ना, देखो ये सब वर्टेक्स था, ऐसा ही बन गया था ना, बीच वाला 6 और 7 को हटाने पर ग्राफ कुछ ऐसा बना था ना, एक साइकिल था ना, एक ही साइकिल है ना, समझ रहे हो बात को, एक साइकिल है, ठीक। इसमें से एक बार इसको हटाए, फिर इसको, एज कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एज है, 5 एज से अगर साइकिल बना हुआ है और स्पेनिंग ट्री अगर बनाना चाहते हैं तो 5 एज से एक बार में एक एज को हटाएंगे, मतलब टोटल 5 स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है, टोटल 5 स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक। अब देखो अगर 6 को कंसीडर करते हैं, 7 को नहीं कंसीडर करते हैं, कैसे, 6 को कंसीडर करते हैं, 6 को पहले तो आउटलाइन बना ले, चलो ये सब क्या है, ये सब मेरा वर्टेक्स है, सिक्स को ड्रॉ करना है और 7 को नहीं करना है, तो 6 कहाँ गया है, 6 E से लेकर B तक गया है, यहां से यहां तक गया है, देखो 6 को हम लोग ड्रॉ कर लिए,
6 को ड्रॉ कर लिए हम लोग। तो जब 6 को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखो यहां पर एक ए साइकिल है और एक ए साइकिल है, यही है ना, एक यहां पर साइकिल है एक यहां पर साइकिल है, समझ रहे हो बात को। तो देखो मान लो इसको साइकिल ओवन नाम रखते हैं, इसको ब्लू से लिखते हैं, चलो इसको अगर साइकिल ओवन, देखो ब्लू मतलब साइकिल ओवन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ और नहीं समझना है, ये टू हो गया, सेकेंड साइकिल हो गया। तो एक साइकिल का साइज कितना है, 1, 2, 3, दूसरे वाले का साइज कितना है, 1, 2, 3, 4, साइज इतना ही है। मतलब क्या, इस साइकिल में अगर हम देखते हैं, इस साइकिल में देखते हैं 6 वाले एज को फिक्स रखकर एक इसको हटा सकते हैं एक इसको हटा सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। मतलब कि साइकिल ओवन में एक बार में इसको हटा सकते हैं एक बार में इसको हटा सकते हैं, अगर दोनों हटा दिए इसको और इसको, दोनों एक बार में नहीं हटा सकते हैं, क्यों, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट रीचेबल नहीं रहेगा, हम लोग को कनेक्टेड ग्राफ भी चाहिए, स्पेनिंग ट्री में कनेक्टेड भी चाहिए, ठीक। तो इस साइकिल में ओवन वाले में 6 को नहीं हटा सकते हैं, 6 को फिक्स कर लिए, पिछले वाले में क्या था, 6 और 7 दोनों ही हटा लिए थे, परमानेंटली हटा लिए, कभी भी बीच में नहीं लाए। अब क्या है, 6 को हम लोग फिक्स कर लिए हैं, यहां पर 7 को हटा लिए, 7 क्या है, यहां से यहां तक है, उसको हम हटा लिए, ठीक। इस केस में एक साइकिल यहां है एक साइकिल यहां, ठीक। अब 6 तो फिक्स है, इसको नहीं हटा सकते हैं, ये वाला एज जो यहां से यहां तक है इसको तो हटा नहीं सकते हैं, बात सिंपल है, किसको हटा सकते हैं, एक बार इसको हटा लें एक बार इसको हटा लें, ठीक, समझ रहे हो बात को। उस केस में कितना स्पैनिंग ट्री यहां से पॉसिबल है, वन से कितना पॉसिबल होगा, वन से एक बार में इसको हटाए एक बार में इसको हटाए, मतलब वन से 2 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल होगा, वन वाले साइकिल से। 2 वाले से कितना होगा, 2 वाले में एक बार मान लो इसको हटाते हैं एक बार इसको, 3 पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वाले साइकिल में कितना पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। तो 1 और 2 को एक साथ में अगर देखेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी होगा, 1 में 2 पॉसिबिलिटी है, 2 में 3 पॉसिबिलिटी है, इस दोनों को अगर कंबाइन करेंगे ना तो लिख सकते हैं 2 × 3 पॉसिबिलिटी, 2 × 3 मतलब कि 6 पॉसिबिलिटी, मतलब कि 6 स्पेनिंग ट्री बनेगा। 6 को अगर कंसीडर करते हैं 7 को डिलीट करने के बाद में, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 2 साइकिल बना है, 2 साइकिल में एक बार एक साइकिल लेते हैं साइकिल ओवन को, एक इसको हटाए, 2 पॉसिबिलिटी, 2 वाले में एक इसको हटाए एक इसको, इसको हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते, इसको हम फिक्स करके रखे हैं पहले ही, काउंटिंग करने का तरीका हम बता रहे हैं, कोई बड़ा ग्राफ भी रहे उसका स्पेनिंग ट्री अगर पूछ ले इस तरीके से ही काउंट करेंगे, रेंडमली बनाओगे मिस हो जाए कोई एक चीज, और मिस जो हुआ है उस पर आंसर में रहेगा ऑप्शन, टिक कर लो गलत हो जाएगा वहां पर, समझ रहे हो बात को, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए जान लिए साइकिल वन के लिए, ए सी वन के लिए, ए सी टू के लिए, साइकिल वन है यहां पर, मतलब साइकिल वन था ये साइकिल टू था, दोनों के लिए एक का 2 पॉसिबिलिटी है एक में 3 है, टोटल दोनों को एक साथ में अगर ये दोनों साइकिल को एक साथ में कंसिडर करते हैं, यही तरीका क्या है, 2 × 3 कितना 6 स्पेनिंग ट्री आ गया, कब आ गया है, जब हम लोग 6 को कंसिडर किए हैं 7 को नहीं किए, पहले बार में दोनों को डिलीट किए उसके आगे में एक को रखे एक को डिलीट किए हैं, इसके बाद वाले में क्या करेंगे, इसके बाद वाले में हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो ये देखो पहला केस ए हो गया, दूसरा केस इस टाइप का हो गया, काउंटिंग के लिए केवल देख रहे हैं, थर्ड वाले केस में क्या करने वाले हैं हम लोग, थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, पहले दोनों हटाए 6 और 7 दोनों हटाए, फिर 6 को लिए हैं 7 हटाए, अब क्या करेंगे 6 को हटाएंगे 7 को कंसीडर करेंगे, मतलब क्या यहां पर क्या होगा, थर्ड वाले केस में 6 को हटाना है और 7 को रखना है, ठीक। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ तो इस तरीके से ही था ना, ऐसा ही था ना इनिशियली, यही ग्राफ है ना, इसमें 7 को रखना है, 7 कहां से कहां है, देखो बी से डी तक यहां पर इस कोण का
ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि यहां पर है 7, आ गया। इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग, 6 को हटा लिए, यहां से यहां तक वाले को नहीं ड्रॉ किए हैं, और ये है जो फिक्स है मेरा, ये है जो फिक्स है, इसको नहीं हटा सकते हैं। देखो ब्लैक से जो है ये फिक्स हम कर लिए हैं, ये क्या किए 7 को फिक्स कर लिए हैं हम लोग, और 6 को नहीं लिए। अब देखो क्या है, अब यहां पर भी साइकिल कितना है, एक साइकिल देखो ए है, एक साइकिल ए है, यहां मान लो साइकिल O1 कर लेते हैं, यहां साइकिल 2 कर लेते हैं। इस साइकिल में O1 से अगर देखते हैं हम लोग, O1 साइकिल के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, O1 साइकिल में कितना पॉसिबिलिटी है, इसको तो हटा ही नहीं सकते हैं हम लोग, मतलब क्या, या तो एक बार में इसको हटा ले, या इसको हटा ले, या इसको हटा ले, एक एक करके सबको हटाकर एक एस्पेंट्री हम लोग को मिलेगा। तो कितना पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, इससे कितना है पॉसिबिलिटी, इससे 3 पॉसिबिलिटी है। यहां पर देखते हैं 2 वाले में, या तो इसको हटा सकते हैं या तो इसको हटा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितना है 2 है, मतलब कि सेकेंड वाले साइकिल में पॉसिबिलिटी कितना है 2 है। तो टोटल पॉसिबिलिटी 1 और 2 को मिलाकर कितना होगा, जो दोनों के पॉसिबिलिटी का प्रोडक्ट होगा, ठीक, इसका प्रोडक्ट कितना है 3 × 2 = 6, 6 नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री पॉसिबल कब है, जब थर्ड वाले केस में, जब 6 को नहीं लेते हैं 7 को लेते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है बात, 6 को नहीं लेते हैं और 7 को जब लेते हैं तब पॉसिबिलिटी कितना है 6 स्पेनिंग ट्री। देखो केस 1 है, यहां पर केस 1 है, केस 1 में 5 स्पेनिंग ट्री मिला है, केस 2 में जब 6 को रखे हैं 7 हटाए हैं तो मेरा 6 स्पेनिंग ट्री मिला है, केस 3 में 6 स्पेनिंग ट्री मिला है हम लोग को। अब केस 4 पर आते हैं, एक और केस मान लो केस 4 है, यहां पर लिखते हैं केस 4, यहां इसको भी हटा लेते हैं। अब केस 4 में क्या है, एक बार दोनों को हटाए थे, फिर एक बार में 6 रखे हैं 7 हटाए हैं, फिर उसके बाद में क्या किए हैं 6 को हटाए हैं 7 को रखे हैं, अब क्या करेंगे दोनों को रखेंगे। अरे 2 बिट है, 2 ही है, 6 और 7 है, 2 ही स्पेस है, यहां पर क्या होगा 0 0, दोनों में से किसी को नहीं लिए, देखो यहां 0 0, दोनों में से किसी को नहीं रखे, अगला में क्या है 0 1, मतलब क्या 0 1, पहले को नहीं रखे दूसरे को रखे हैं, पहला मान लो यहां है, यहां 0 है वहां 1 है, इसको नहीं रखे इसको रखे हैं, इसके बाद क्या है 1 और 0, यही पॉसिबल है ना, 1 0, इसको रखे हैं पहले को दूसरे को नहीं रखे, 1 0, उसके बाद क्या है 1 1, 4 ही पॉसिबिलिटी है ना, बस 4 पॉसिबिलिटी में काउंट हो जाएगा, हम बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर इसका प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्टली तुरंत बता सकते हो, 4 पॉसिबिलिटी है एक बार में काउंट हो जाएगा, ड्रॉ करने जाओगे बहुत सारा ड्रॉ करना पड़ेगा, छूट जाएगा, कोई एक छूट सकता है, मिस हो सकता है, इसलिए इसी तरीके से करना, ये प्रॉपर मेथड है स्पेनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री को फाइंड आउट करने का ये प्रॉपर मेथड है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फोर्थ वाले में आ गए, फोर्थ में क्या है, दोनों को कंसीडर करना है, दोनों कौन सा 6 और 7 के बात हम कर रहे हैं, इंटरनल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इस बार हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये दोनों को फिक्स रखना है, ठीक, ये दोनों को फिक्स रखना है, इसके बाद एक यहां ऐसे ड्रॉ किए, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, यही है ना, यही ड्रॉ किए है ना, ये दोनों को 6 और 7 को, यहां पर जो 6 है और 7 है इसको फिक्स कर लिए हैं, अब बाकी जो आउटलाइन ऐसे है बाहर से हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब इसमें कितना केस होगा, देखो इसमें साइकिल कितना है, कितना साइकिल है इसमें, देखो साइकिल एक ए साइकिल है, एक ए बी साइकिल है और एक ए बी साइकिल है, 3 साइकिल है इसमें, 3 साइकिल है। तो साइकिल O1 में हम देखते हैं पहले कितना पॉसिबिलिटी, साइकिल O1 में ये तो फिक्स रहेगा ही, देखो ये तो फिक्स रहेगा ही, तो बचा कितना 3 ही एज है इस साइकिल O1 में, एज कितना है 1 2 3 3 एज से बना है साइकिल है, ये तो फिक्स रहेगा ही रेड वाला, मतलब क्या ब्लू वाले को हटा सकते हैं, एक बार इसको हटाए, समझ रहे हो, एक बार में ऊपर वाले हटाए, एक बार में लेफ्ट वाला, कितना पॉसिबिलिटी बना 2 पॉसिबिलिटी,
मतलब कि इसका हो गया दो पॉसिबिलिटी वन साइकिल से। साइकिल टू से कितना पॉसिबिलिटी है देखते हैं। साइकिल टू में कितना एज है देखो, एक दो तीन एज से बना है, और तीन एज में दो तो फिक्स ही है, दो है जो फिक्स है, तीन एज में दो एज फिक्स है, थर्ड एक ही बचा है। अब एक को रखें या ना रखें, एक को रखें या ना रखें, अगर हम रखते हैं तो साइकिल बन जाता है, अगर यहां रखते हैं इस एज को तो साइकिल बन जाता है, जो कि मेरे स्पेनिंग ट्री में हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या, एक ही एज है तो एक ही पॉसिबिलिटी है केवल, क्या इसको नहीं रखना है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है तो साइकिल टू में, साइकिल टू में कितना पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड में कितना है एज देखो, एक दो तीन, तीन एज से बना है थर्ड साइकिल। तो थर्ड साइकिल में एक बार में या तो इसको हटा लें या फिर दूसरे बार में इसको हटा लें। मतलब क्या, अगर थर्ड का हम बात करते हैं, अगर थर्ड का हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी कितना है, दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितना है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर एक साथ में सबका बात करें तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया, सब साइकिल एक साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे सबका पॉसिबिलिटी को, क्या भाई, टू इंटू वन इंटू टू, क्या टू इंटू वन इंटू टू, यही बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा, टू इंटू वन इंटू टू, मतलब क्या, फोर। मतलब कि केस फोर से कितना मिला है, फोर स्पेनिंग ट्री हम लोग को मिला है। केस फोर से नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री हम लोग को, नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री हम लोग को फोर मिला है। तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया, यहां पर टोटल अगर ऐड करते हैं तो क्या बन गया, केस वन था, केस वन यही था, केस वन से कितना मिला है, पांच मिला है, केस वन से मिला है पांच, प्लस केस टू से कितना मिला है, केस टू से सिक्स मिला है, केस टू से सिक्स मिला है, प्लस केस थ्री है, केस थ्री से क्या मिला है, सिक्स मिला है, केस थ्री से सिक्स मिला है, प्लस केस फोर से क्या मिला है, फोर मिला है। ठीक, तो केस फोर से क्या मिला है, फोर मिला है। टोटल ऐड कर लेंगे, चार ही केसेस था, सिक्स और सेवन को अंदर से जब हटा इस फॉर्मेट में करेंगे चार ही केसेस आएगा, चारों केस को ऐड करते हैं कितना बन गया, ये छह चार दस, छह सोलह, पांच इक्कीस, टोटल 21 स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है, 21 स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है इस ग्राफ के लिए, काउंट हो गया आसानी से। इस तरीके से ही करना है। मान लो ग्राफ और भी बड़ा रहे तो क्या होगा, और बड़ा अगर रहेगा, मान लो ये ग्राफ और बड़ा रहे, कुछ ऐसा ग्राफ रहे, एक और यहां पर मान लो ई था ना, यहां पर एक और वर्टेक्स एफ रहे, तो क्या बनेगा भाई, बीच में कितना नोड है, एक दो तीन, ए नोड है बीच का, ए नोड है, ए नोड है, ठीक, तीन है नोड। तो क्या करेंगे, जैसे यहां जीरो जीरो तीन दो पोजीशन था, अब यहां पर तीन पोजीशन बन गया, तीन पोजीशन बन गया है, समझ रहे हो। केस कितना बनेगा, यहां पर जीरो 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 एक केस बनेगा, जीरो जीरो वन दूसरा केस, जीरो वन जीरो तीसरा केस, जीरो वन वन चौथा केस, सेम वैसा ही वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यहां सब में वन, आठ केस बनेगा, आठ केस को काउंट कर लेंगे, हो गया। इससे बड़ा ग्राफ देगा ही नहीं, तरीका यही है, इससे और ज्यादा बड़ा भी ग्राफ दे दे तभी यही तरीका है। प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें, प्रैक्टिस नहीं रहेगा या तो गलती कर बैठोगे, अगर इसी अप्रोच से कर रहे हो सही होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं तो नॉर्मली अगर काउंट करने जाओगे मोस्ट प्रॉब्ली 99% चांसेज है गलत कर बैठोगे, कोई ना कोई एक केस को मिस कर लोगे, और डायरेक्टली ग्राफ को स्पेनिंग ट्री को ड्रा करने जाओगे, क्योंकि अगर बिगर ग्राफ है प्रॉब्लम होगा, छोटा ग्राफ है चल सकता है डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, बड़ा ग्राफ में डायरेक्टली नहीं काउंट करना, डायरेक्टली इस तरीके से जो मेथड यहाँ बताए हैं इस तरीके से ही काउंट करना है। तो स्पेनिंग ट्री जो है हम लोग फाइंड आउट करना देख लिए हैं। अब एक और चीज जानो, एक एज वेट होता है, एक एज वेट होता है, एज वेट मतलब क्या है कि एज का कॉस्ट है। एज वेट का सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एज का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है,
जैसे मान लो एक मैप लेते हैं इंडिया का, उसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पटना टू दिल्ली, मतलब क्या पटना और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग, ठीक। मान लो एक ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, एक क्या है पटना है मान लो पी, एक क्या है दिल्ली है डी, ठीक। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, हम देख रहे हैं क्या कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक लाइन ड्रॉ की है कितना है भाई 1000 किलोमीटर का है। पटना से मुंबई अगर देख लिए, पटना से मुंबई अगर देखें कितना होगा रफली अराउंड जानो, मान लो 1500 है, 1500 या 1800 2000 जो भी रहे कुछ ऐसा है, एज का कुछ वेट आया ना, इस एज का कुछ वेट आया है ना। मान लो दिल्ली टू मुंबई देखते हैं, ये मान लो 1300 है, ज़ूम करते हैं, होता है एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और भी रहे, हम लोग को एज वेट देखना है, ठीक। ट्रेवल नहीं करने जा रहे हैं कि जो हम लोग का मतलब ऑयल का कॉस्ट कितना रहेगा, टूर पर नहीं जा रहे हैं, टूर पर जाएंगे जब एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर टूर पर जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, मजा आएगा, ठीक। अभी नहीं सोच रहा, अभी बस यहां ध्यान देना है। तो इसका कुछ वैल्यू है, 1000 क्या है, इस एज का पी और डी को जो कनेक्ट करने वाला एज है, यहां पर जब 1000 लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ए है मेरा, ए है एज, ए है मेरा एज वेट है, समझ रहे हो, ए पर्टिकुलर एज का ए वेट है, ए एज का ए जो एज है इसके लिए ए क्या है, ए क्या है एज वेट है, एज वेट है। सेम वैसे ही इस एज के लिए ए क्या है, ए क्या है एज वेट है, एज वेट है, समझ रहे हो बात को। तो एज वेट क्या है समझ गए हो, दो पॉइंट के बीच का जो कनेक्टिंग लाइन होगा एज होगा, उसके साथ में कुछ एक वैल्यू अटैच्ड होगा, वो वैल्यू को ही, वो वैल्यू को एज वेट बोलेंगे हम लोग। हो सकता है दो एज का वेट सेम हो, मान लो यहां से कोई और लेते हैं, एक और जगह लेते हैं, मान लो ऐसा, मान लो चेन्नई लेते हैं, मान लो चेन्नई लेते हैं, क्या है मुंबई से चेन्नई का डिस्टेंस, अब एक्चुअल मुंबई से चेन्नई का डिस्टेंस और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस वेरी करेगा एक्चुअल ग्राफ में, हम लोग एक्चुअल नहीं देख रहे हैं, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं एज वेट का, समझ रहे हो, अलग दिमाग नहीं लगाना है। तो मान लो ये है 2000 किलोमीटर है और दिल्ली से चेन्नई भी 2000 किलोमीटर भी है, ठीक। तो ये दोनों जो एज है, ए एज है और ए एज है, क्या हुआ दोनों का इक्वल वेट हो सकता है, दोनों का इक्वल वेट हो सकता है, समझ रहे हो बात को, अलग अलग भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एज का सेम वेट भी हो सकता है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कभी बराबर भी हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, सारा पॉसिबिलिटी है। तो एज वेट क्या कहते हैं समझ गए हो, एज वेट किसको कहते हैं, ये बात समझ गए। अब एज वेट के अकॉर्डिंग हम लोग स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करते हैं, जो स्पैनिंग ट्री अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो अब क्या करते हैं, एज वेट के अकॉर्डिंग करते हैं ड्रॉ, ठीक। तो एज वेट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ग्राफ से स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करेंगे और उस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट को देखेंगे कि कितना कॉस्ट लगा है, कॉस्ट मतलब क्या, जो स्पैनिंग ट्री हम लोग को मिलेगा उसके एज वेट को ऐड कर लेंगे, जो एडिशन जो सम आएगा वही मेरा कॉस्ट होगा, ठीक। तो आप देखो एक क्वेश्चन अगर ऐसा लेते हैं, एक क्वेश्चन में एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, एक मान लो एक ग्राफ लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक, एक ऐसा ग्राफ लिए ए बी सी और डी, मान लेते हैं ए से बी जो कनेक्ट करने वाला लाइन है इसका एज वेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक। मान लेते हैं सब डिस्टिंक्ट है, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक।
मतलब कि हो सकता है दो एज वेट सेम रहे कभी, हो सकता है सबके सब एज वेट डिस्टिंक्ट रहे, हो सकता है सारा एज वेट सबके सब सेम रहे, ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। समझ रहे हो बात को? अब करना क्या है हम लोग को, देखो यहाँ से हम लोग स्पेनिंग ट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक। यहाँ से स्पेनिंग ट्री जब ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, पहला जब स्पेनिंग ट्री बनाते हैं हम लोग तो कैसा कर सकते हैं, एक स्पेनिंग ट्री ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ये क्या किया, ऊपर वाले एज को लिए, ये क्या है टू को लिए, इस साइड में क्या है फाइव को लिए, इस साइड में क्या है थ्री को लिए, टोटल कितना आ गया थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन आ गया, इसका कॉस्ट कितना आया टेन आ गया, ठीक। अब एक और लेते हैं, एक और मान लो ऐसे ए और ए लेते हैं, ठीक, ए ऐसे ले लिए, क्या है ए डी सी बी, ए डी सी बी ऐसा लिए, एज कितना है फाइव फोर थ्री, ये कितना है फाइव फोर थ्री, यही है ना। इसको अब ऐड करते हैं हम लोग, इसको ऐड करते हैं, कितना होगा फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस थ्री कितना हो गया नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो गया, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो गया। इस वाले स्पेनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट टेन आया है, इस वाले का ट्वेल्व आया है, देखते हैं और भी पॉसिबल है क्या, देखते हैं एक बार और भी पॉसिबल है क्या। मान लो ए ड्रॉ किए, ए से बी गए, बी से डी आए, डी से सी आए, ये कितना है टू है, ये कितना है सिक्स है, ये कितना है फोर है, टोटल कितना हो गया सिक्स प्लस टू एट प्लस फोर ट्वेल्व, ये ट्वेल्व हो गया। देखो यहाँ भी ट्वेल्व आया है, यहाँ भी ट्वेल्व आया, हो सकता है पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। और भी ड्रॉ करते हैं, एक एक ड्रॉ करते हैं बीच वाले को लेकर, एक ए नीचे जाते हैं यहां से, एक ऊपर जाते हैं, मतलब क्या ये फाइव हो गया, डी से ए गए, फिर डी से बी आए जो सिक्स है, बी से सी आए जो थ्री है, इसका टोटल कितना हो गया फाइव प्लस सिक्स इलेवन थ्री फोर्टीन, ये कितना है कॉस्ट इसका फोर्टीन है। देखो तो सब एक स्पेनिंग ट्री है, ए भी एक स्पेनिंग ट्री था, ए भी है, ए भी है और ए भी है, सारा का सारा स्पेनिंग ट्री ही है, ठीक। अब एक और केस क्या है, ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, इसको यहां ड्रॉ कर दिए, ये क्या है ए से बी तक आए हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ पर क्या हो गया टू हो गया, बी से डी गए सिक्स आ गया, बी से सी गए, बी से सी गए कितना हुआ थ्री आ गया, कितना हो गया सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन हो गया, ठीक। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, एक और पॉसिबिलिटी है ऐसा, यहाँ ए से डी गए, डी से सी आए, फिर डी से बी गए, डी से बी गए, यहाँ पर दो ग्राफ में देखो, यहाँ ए क्या है फाइव है, यहाँ पर सिक्स है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर फोर है, इसका सम कितना हुआ सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस फोर कितना हुआ फिफ्टीन, यह क्या हो गया फिफ्टीन हो गया, यही है ना। अब सिंपल सोचो, और पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, ऐसे टोटल कितना होना चाहिए था, नहीं नहीं और भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी देखो और कैसे, मान लो बीच वाले को हटाएंगे कितना बनेगा चार हिस्से बनेगा, बीच वाले को रखेंगे अगर तो यहाँ दो एज हटा सकते हैं, टू इंटू टू फोर, मतलब कि एट पॉसिबिलिटी बनेगा, हम लोग बनाया कितना है एक दो तीन चार पाँच छः, इसलिए बोलते हैं जो अभी टेक्निक बताए थे स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करने का उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो सारा का सारा काउंट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लॉजिकली बनाने में ग्राफिकली बनाएंगे टाइम भी ज़्यादा यूज होता है और हो सकता है कोई एक मिस हो जाए। और एक बनाते हैं कैसे, ऐसे बना लेते हैं ऐसे, ये क्या है ए से बी तक गया है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, टोटल कितना हो गया थ्री प्लस टू फाइव प्लस फोर नाइन हो गया ये। और एक लेफ्ट वाले से बनाते हैं ऐसा, लेफ्ट वाले से, लेफ्ट में क्या है ऊपर में क्या है टू आ गया, लेफ्ट में फाइव आ गया, नीचे में फोर आ गया, कितना हो गया फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस फोर इलेवन, इलेवन आ गया, कितना हो गया टोटल, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ ही पॉसिबल केस था यहाँ पर। अब देखो एक चीज नोटिस करो,
कि आठ यहाँ पर एक ही ग्राफ से, एक ग्राफ ही है, ग्राफ हम लोग के पास में एक ही है, जी ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से ही कितना पॉसिबिलिटी है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ स्पेनिंग ट्री हम लोग के पास पॉसिबिलिटी है। इस ग्राफ से ही टोटल टोटल एट स्पेनिंग ट्री, टोटल एट स्पेनिंग ट्री हम लोग को मिल रहा है, ठीक, एक ही ग्राफ से। सबका वेट भी कहीं कहीं डिफरेंट मिल रहा है, सबका कॉस्ट, मतलब एक स्पेनिंग ट्री का कॉस्ट इसका कितना है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, देखो यहां 15 है, 11 है, 14 है, 12 है, 9 है, 11 है, बहुत सारा कॉस्ट मिला है, बहुत सारा कॉस्ट मिला है, ठीक। तो देखेंगे मिनिमम कौन सा है, अब ये जान गए कॉस्ट कैसे फाइंड करना है, ये जान गए हम लोग, अब आते हैं मिनिमम पर, क्योंकि टॉपिक क्या था, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, यही टॉपिक था इनिशियली। अब यहां पर ऐड करते हैं क्या, अब बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट के बारे में, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, यहां पर बात करते हैं। अब ये मिनिमम कॉस्ट के लिए है, क्या क्या वैल्यू है सबको लिखेंगे, 9, 11, 12, 14, 9 हो गया, 11, 12, 14, 11, 15, 11, 15, 11 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 10, 12, उसके बाद 10 हो गया और 12 हो गया, इतना पॉसिबिलिटी है, आठ नंबर ही मिला है, आठ तरह का स्पेनिंग ट्री पॉसिबल था, सबके लिए एक एक वैल्यू मिला है। अब ये सब में मिनिमम कौन सा है, देखो ये जो इतना वैल्यू है इसमें जो मिनिमम कॉस्ट का स्पेनिंग ट्री है उसी को बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, नाम से लग रहा है मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो मिनिमम क्या वैल्यू है, देखो 9, 11, 9 सबसे मिनिमम, 9 से छोटा कोई नहीं है, मतलब क्या है, जो 9 जो कॉस्ट है मेरा, यही मेरा क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है, या फिर इसको MST बोलते हैं, MST का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, MST का मतलब मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे MST बोलेंगे। तो बोलो मिनिमम कॉस्ट कहाँ गया, सी कहाँ गया, सी नहीं लिखेंगे, MST नाम से ही मिनिमम स्पेनिंग ट्री का मतलब ही है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, मिनिमम स्पेनिंग ट्री इसका मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, बस यही चीज है, समझ रहे हो। अभी तक मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ड्रॉ किए, सबसे कम कॉस्ट किसका है, नाइन्थ वाले का आया है, कहां से कम कॉस्ट आया है देखो एक बार, मिनिमम कॉस्ट वाला है जो कितना है, एक है या एक से ज्यादा है, मिनिमम कॉस्ट वाला जो नाइन है, नाइन कितना टाइम्स आया है, नाइन देखो वन टाइम ही आया है, मतलब एक ही स्पेनिंग ट्री है जिसका कि मिनिमम वैल्यू है। देखो 11 दो बार आया है, लेकिन 11 मिनिमम तो नहीं है, 12 दो बार आया है, 12 मिनिमम नहीं है, मिनिमम जो है एक बार ही आया है, देख रहे हो बात को, मिनिमम जो है जो बस एक बार आया है, समझ रहे हो, तो मिनिमम एक बार ही आया है, कहां पर आया होगा देखो, यहां पर देखो आया है मिनिमम, इससे मिनिमम आया है। यहां पर क्या कुछ स्पेशल नोटिस करने लायक है क्या, देखो यहां पर क्या है, एज कौन सा लिए, 2, 3, 4, यहां पर देखो 2, 3, 4, ये तीनों एज को लिए हैं। अगर अच्छे से नोटिस करोगे क्या देखोगे, टोटल एज कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, पांच एज है, जिसका वेट क्या था, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या था, एज वेट गिवन था, ठीक। तो हम लोग का जहां से मिनिमम आया है इसमें क्या यूज किया है, 2, 3 और 4, मतलब जो एज का वेट कम है उसको यूज किए हैं यहां पर, तब मेरा मिनिमम स्पिनिंग ट्री आया है। MST कैसे बना है, मिनिमम एज वेट वाला एज को यूज करके, देखो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, दो क्या है, 6 सबसे लार्जेस्ट है, ये है सेकेंड लार्जेस्ट है, ये दोनों को नहीं यूज किए हैं, ये दोनों को नहीं यूज किए हैं, सबसे छोटा छोटा जो एज है ना उसी को यूज करके जो MST बनाए हैं
उसी को यूज करके बनाया है जिसका कि वैल्यू मिनिमम आया है, मिनिमम कॉस्ट आया है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कभी हम लोग को एमएसटी का बात आ जाए तो एमएसटी में क्या बोलेंगे कि जो मिनिमम कॉस्ट का यूज होगा ना उससे ही एमएसटी बनने वाला है। जो मिनिमम कॉस्ट का जो एज होगा उससे ही एमएसटी बनने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो ये एमएसटी को बनाने के लिए जी जहां पर की कॉस्ट मिनिमम रहे यहां पर वो सब ड्रॉ किए हैं फिर कंपेयर किए हैं। लेकिन इसके लिए दो टेक्निक है जिससे डायरेक्टली पहला अटेम्प्ट में ही हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, हम लोग जितना केसेज है सब केस को लिए, उसके बाद सबको कंपेयर किए कौन छोटा है। यहाँ कंपेयर करने के बाद में देखिए 9 छोटा है, ए मेरा मिनिमम कॉस्ट है, फिर देखिए ए आया है, कंपेयर करना पड़ा ना। लेकिन इसके लिए दो तरीका है जिससे डायरेक्टली हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या तरीका है भाई? इसके लिए ही स्टार्टिंग वाले में हम क्या लिखे थे, दो एल्गोरिथम लिखे थे। क्या था? पहला था क्रूसकल मेथड, सेकंड प्रिम्स। क्रूसकल और प्रिम्स दो मेथड है, इस दोनों से ही एमएसटी हम लोग मिनिमम स्पेनिंग ट्री हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों में से किसी एक मेथड को करके। दोनों उसके लिए ही है, दो मेथड है, एक क्रूसकल है एक प्रिम्स है, दोनों मेथड है एमएसटी फाइंड आउट करने के लिए ही। तो अभी तक हम लोग बेसिक जितना भी है हर चीज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे क्रूसकल पर, उसके बाद प्रिम्स का देखेंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रूसकल देखेंगे उसके बाद प्रिम्स देखेंगे कि क्या वहां पर करते हैं। अब बेसिक हम लोग जान लिए हैं, जो बेसिक है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो जो भी बताए हैं। जब स्पेनिंग ट्री का हम लिखे थे, टॉपिक लिखे थे मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, उस समय से जो बेसिक सिंपल ग्राफ, जितना भी मल्टी ग्राफ, जो कुछ कनेक्टेड डिसकनेक्टेड जो कुछ भी बताए हैं सबको अभी तक अच्छे से रिवाइज कर लो। स्पेनिंग ट्री कैसे फाइंड करना है, क्या है नहीं है, सब कुछ जान लो, रिवाइज कर लो, सब चीज सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग ये दोनों टेक्निक को देखेंगे कि क्रूसकल कैसे काम करता है जिससे कि एमएसटी डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तरह का मैजिक ही हो गया ना, इतना मेहनत लग रहा था, इस पूरे मेहनत को कंप्रेस करके डायरेक्टली एक मेथड आया कि इसे डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, दोनों का ही, दोनों से एमएसटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दो तरीका है। तो नेक्स्ट क्लास में क्रूसकल देखेंगे फिर प्रिम्स देखेंगे, ठीक है? अभी तक जितना भी है रिवाइज करो अच्छे से।